आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ ही अन्य पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। तमाम नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर संवाददाता शुभ सेठ ने वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से बात करने के लिए मौजूद है। सर, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कई सारे नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन कराया, क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है बीजेपी को? देखिए, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं के हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के काउंटर मेंबर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़े हैं, 8-8, 9 हज़ार वोट लेकर गए हैं, तो समाज में उनका अपना एक विशेष स्थान है। और सब लोग अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं, तो इस बार ये आरोप उनको महंगे पड़ने वाले हैं। उनको बताना पड़ेगा कि 7 विधायक कौन थे और किन लोगों ने उनसे अप्रोच किया, उसके तथ्य देने पड़ेंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं। सर, आपने मुख्यमंत्री को चैलेंज भी कराया कर, मैंने 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 चुनौती दी है कि हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, आप भी इसके साथ मांग कीजिए। अगर वो मांग नहीं करेंगे तो हमारी पहले भी तभी हो जाएगी जब वो इस जांच से भाग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय साहब बात करने के लिए। समय साहब बात करेंगे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एनके न्यूज़ के लिए दिल्ली से।